आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार तरह तरह की महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे गरीब और असहाय की मदद हो सके। साथ ही जो हस्तकार और शिल्पकार हैं, उनकी जो कला है उनको जीवित रखा जा सके और उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और नव भारत के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर सके। इसी को लेकर सरकार के माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति के द्वारा शिल्पकारों को विद्युत चाक वितरित किए जा रहे हैं। दीपावली का त्यौहार नजदीक है, साथ ही देश का दुश्मन कहे जाने वाला चाइना अपने उत्पादकों को लेकर भारत में पैर पसारता नजर आ रहा है, जिसको लेकर भारत के द्वारा लगातार चाइना के सामान पर रोक लगाई जा रही है। तो वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा प्रजापति समाज को ध्यान में रखते हुए माटी कला बोर्ड का गठन किया गया और शिल्पकारों का ध्यान रखते हुए दीपावली से पहले शिल्पकारों को विद्युत चाक वितरित करने का आदेश भी दिया गया, जिससे दीपावली से पहले दीपावली के सामान को तैयार किया जा सके और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। वहीं आज भी अलीगढ़ में माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति के द्वारा शिल्पकारों को चाक वितरित किए गए। वहीं दूसरी ओर चाक किट पहनाकर शिल्पकारों के चेहरे खिल उठे और उनके द्वारा सरकार का धन्यवाद किया गया। वहीं दूसरी ओर माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना से प्रजापति समाज के शिल्पकारों को दिवाली से पहले चाक किट वितरित की जा रही हैं, जिससे ये लोग आत्मनिर्भर बन सकें और इस योजना से इन लोगों के घरों में भी दीपावली अच्छे से मन सके। देश में देश की आज़ादी के बाद पहली बार उनके नेतृत्व में सरकार बनी और गांव गली दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले माटी कला से जुड़े परिवारों को चिंता करके माटी कला बोर्ड का गठन किया। इसी के तहत माटी कला बोर्ड की ओर से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में टूल किट्स का वितरण हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक चाक है, डाई है, दिए वाली डाई है, मूर्ति वाली डाई है और कहीं कहीं जिलों में पगमेल हैं, फर्निश भी हैं। ये सब व्यवस्था हम माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा है, हम लोगों की भी इच्छा है कि दीपावली आने वाली है, हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इन टूल किट्स का वितरण कर दें और वो लोग अपना जल्दी से काम शुरू करके मार्केट में। इस बार हम लोगों की इच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा है, हमारी भी इच्छा है कि इस बार दीपावली पर चाइनीज आइटम मार्केट में ना आए, चाइनीज दिए मार्केट में ना आए, चाइनीज मूर्ति मार्केट में ना आए। इनके द्वारा बनाई हुई मूर्ति दिए और दीपावली के जो भी आइटम है वो सब मार्केट में रहें। इसी के तहत आज का ये कार्य